जो लाइसेंस के लिए आते हैं, फ्रेश लाइसेंस के लिए, और उनको दो तरह के सिस्टम से गुजरना पड़ता है। एक तो पहले ट्रैफिक साइंटिस्ट है, ट्रैफिक साइंटिस्ट का मैं बताती चलूं तो हमारी वेबसाइट पे रास्ता ऐप पे आपके पास तमाम इशारे मौजूद हैं। आप घर से उन इशारों को गो थ्रू करके आए, पढ़ के आए, और दो मिनट का टाइम होता है। इस तरह से आप देखें, हमारे पास ये काउंटर है, ड्राइविंग लाइसेंसिंग साइंटिस्ट काउंटर। तो जो भी कैंडिडेट आता है, हम उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट करने के बाद उनको यहाँ पे बिठा दिया जाता है। दो मिनट का टाइम होता है और 10 MCQs है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बेस पे जो थ्योरी भी होती है इसमें, ये हमारा साइंटिस्ट होता है, और साइंटिस्ट के बाद जो स्लिप है वो यहाँ से निकलती है। अगर आप पास हैं या फेल है, व्हाटएवर, अगर आप पास हैं तो फिर हम उनको बाहर रोड टेस्ट पे लेके चलते हैं। तो आए देखते हैं, हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, वो रोड टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग रोड टेस्ट किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास दो इस टाइम ट्रैक लगे हुए हैं। दो ट्रैक लगाने का मकसद ये, आप प्लीज उनको दिखाइएगा। दो ट्रैक लगाने का मकसद एक तो ये है कि आप अपनी गाड़ी पे दे रहे हैं या हमारी गाड़ी पे देना चाहते हैं, तो हमारी गाड़ी वो खड़ी है वहां पे, हमारी गाड़ी में टेस्ट कंडक्ट होगा। और अगर इट्स योर चॉइस कि आप अपनी गाड़ी पे देना चाह रहे हैं, तो ये जो दूसरा ट्रैक है ये हमने लगाया हुआ है। और अगर रश हमारे पास पड़ जाता